हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पूनम पुंजय स्पेशल मिनी ब्लॉग में। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ देसी रेसिपी जिसका नाम है आलू घुगनी। नमस्ते। मैंने एक आलू ले लिया है, प्याज ले लिया एक छोटा साइज, और एक टमाटर को ले लिया है। तीनों को स्क्वायर शेप में काट लिया है। काटने के बाद में मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया है। मैं अधिकांश लोहे का कढ़ाई यूज करती हूँ क्योंकि उसमें आयरन मिलती है। उस कढ़ाई गर्म होने के बाद तेल डाल दिया 2 चम्मच, उसमें जीरा डाल दिया, मिर्चा डाल दिया और प्याज डाल दिया। तीनों को मैं लाल होने दूंगी। उसमें लाल होने के बाद उसमें मैं आलू डाल दी हूँ। आलू जब अच्छी तरह से भुंजा जाएगा तब उसमें मैं मटर को ऐड करूँगी। मटर ऐड करने के बाद में उसमें कुछ देर के बाद में 2-3 मिनट के बाद में जैसे उसमें हल्दी ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर, आवश्यकता अनुसार नमक और जीरा और मरीच का पाउडर, और तब उसको अच्छे से चला करके 5 मिनट के लिए उसको ढक दूँगी। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। अपने साथ मुझे भी शामिल कीजिए। 5 मिनट हो गया है, देखिए मैंने उसको, देखिए कैसे मटर दब गया, आलू भी दब गया। नमस्कार दोस्तों, फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।